अभिलाषा मेरी स्टाइलिस्ट रही है और आज उन्होंने अपना पहला आई थिंक अपने करियर का एक पहला लैंडमार्क कदम उठाया है, उन्होंने अपना स्टोर खोला है और ये मेरी खुशी है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा आके इनको बधाई दूँ एंड आई एम फीलिंग रियली प्राउड ऑफ हर. दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, शी इज़ गोइंग टू गो लॉन्ग वे. Abhilasha's store and she's been a common friend of ours, mine and I, since a long time, and finally she gets a store, so we are here to support her. Shopping ke liye do cheeze bahut zaruri hai, ek hai fursat aur dusra hai paisa. Agar aapke paas fursat hai aur paisa nahi hai aap shopping nahi kar sakte aur likewise. So budget ki to matlab I think if there was no limit, then girls would have shopped the whole day. But I think I'll be watchful about what I purchase. I'll be a little thoughtful. मैं वो buyer नहीं हूँ कि जो देखा उसी को पहले नज़र में ख़रीद लिया. मैं थोड़ा देखती हूँ पहले कि मुझे क्या अच्छा लगता है. Then I like to go and see what other stores have and then purchase. Then come back to the outfit. Because कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप बहुत इसको कुछ अच्छा लगता है आप लेते हो और कहीं और जाते हो पता चलता है कि यही प्राइस इसके कम दाम में कुछ और मिल रहा है. सो आई थिंक आई बिन स्लाइटली व्हाट शुड आई से नॉट नॉन इंपल्सिव व्हेन आई हैव शॉप्ड. मैंने स्टोर से बस और उनका ही है. मैंने बस स्टोर से बहुत सारी दुआएं ली है, बेस्ट विशेस ली है और अपनी भी दी है बिकॉज आई जस्ट फील दैट This is a beginning for somebody's career and it finds me a lot of happiness to be here. I'm really excited. Satyagrah jis tarah ka response mil raha hai aur humne abhi recently Independence Day manaya aur जो रघुपति राघव गाना है इस गाने पर जो रिस्पॉन्स आया है आज के जनरेशन से दैट्स बिन ओवरवेलमिंग बिकॉज एवरीबडी हैज़ यूनानिमसली सेड कि ये गाने इसके लिरिक्स जो प्रसून जोशी ने इतने खूबसूरती से सेंसिटिविटी से लिखा है दैट जस्ट गिव्स एवरीबडी इंक्लूडिंग मी गूज बम्स. यू नो जब भी मैं ये गाना सेट पर सुनती थी मुझे याद है ऑटोमेटिकली आँखों से आंसू निकलते थे. सो इट आई बिलीव दैट इट इज़ द न्यू एज एंथम रघुपति राघव. इट्स अ न्यू एज पोइट्री फॉर आवर जनरेशन. अमित जी के साथ तो ऑब्वियसली अभी भी मुझे मैं अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ उन्हीं के साथ एक पूरी फिल्म कंप्लीट कर चुकी हूँ. उनका कुछ ऐसा असर है, उनका ऑरा, उनकी पर्सनालिटी और जो बाहर दुनिया का एक परसेप्शन है मिस्टर बच्चन के बारे में वो जब उसके साथ जब आप लेकर उनको देखते हैं तो वो इतने सिंपल है कि आप एक आपको यकीन नहीं होता कि वो यही इंसान सदी के महानायक इतने सिंपल हो सकते हैं.